Here is a new question, students. 159. When a block of mass capital N is suspended by a long wire of length capital L, the length of the wire becomes capital L plus small l. The elastic potential energy stored in the extended wire is options A, capital Mg is small l, capital Mg capital L, half Mg small l, half Mg capital L. अगर आप नोट्स के थ्रू जाएंगे तो आपने यहाँ पता रखा है सारी बातें. बहुत ही आसान सा सवाल है ये, अगर हल्की सी भी पढ़ाई कर रखी है. और ये हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कैपिटल ये MgL हो गया. और जब यहाँ पे इस पर लोड लगा दिया गया तो यहाँ पे नो लोड कर लीजिए. पहले आप इसको नो लोड कर लीजिए और जैसे ही लोड यहाँ पे MgL Img आ गया, ये कैपिटल L प्लस स्मॉल L हो गया. पूछा गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो एकदम पूछा गया कितना होगा. कहेंगे W बराबर Mg इंटू स्मॉल एल, फोर्स नीचे को, डिस्प्लेसमेंट नीचे को, वर्क डन ये हो जाएगा बाय ग्रेविटी. और कई बार मैंने बताया है कि इसका हाफ पार्ट स्टोर होगा इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड रेस्ट हाफ पार्ट विल बी लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा दैट विल बी न्यूमेरिकली हाफ ऑफ द वर्क डन एंड दैट इज गिवन एज हाफ MgL. सवाल में हमारे हिसाब से कुछ नहीं था और ये सवाल, इसको आसान सवालों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए जो कि आपको बिल्कुल फ्री के नंबर दे रहा है. ऑल द बेस्ट.